उपद्रवियों से निपटने के लिए गुमला पुलिस के द्वारा गुमला स्टेडियम में शुक्रवार की शाम मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। मौके पर मुख्य रूप से गुमला एसपी सार्जेंट मेजर प्रणव कुमार मौजूद थे। एसपी ने कहा कि मॉक ड्रिल का अभ्यास रूटीन वर्क के तहत आता है, क्योंकि कभी भी आपातकाल स्थिति आ सकती है, जिससे निपटने के लिए पुलिस अधिकारी और कर्मियों को पूरी तरह से दक्ष बनाया जाता है और साथ ही इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ऐसी स्थिति से किस तरह निपटा जाए जिससे आमजनों को किसी प्रकार की जान माल की क्षति ना हो। वहीं अभ्यास के दौरान यह बताया गया कि अनावश्यक भीड़ में हुड़दंग हो जाने पर स्थिति को कैसे नियंत्रण किया जाता है, तत्काल मोर्चा संभालने, उपद्रवियों से निपटने के लिए कौन कौन से 8 घंटे अपनाए जाते हैं, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक अभ्यास कराया गया। साथ ही पथराव की स्थिति में बचने के लिए मार्केटिंग करने, आत्म सुरक्षा और आंसू गैस छोड़ने सहित अन्य पहलुओं की जानकारी दी गई। एसपी ने आम जनों से अपील करते हुए कहा कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से पर्व त्योहार मनाएं। मॉक ड्रिल भी कराया जा रहा है। अभी हम लोग प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, अलर्ट है, और आगामी त्यौहार जो आने वाला है रामनवमी अभी कल परसों का है, और फिर आगे ईद का भी त्यौहार है। सभी त्यौहार को देखते हुए लगातार हम लोग मॉक ड्रिल करा रहे हैं। सभी तरह के क्राउड कंट्रोल इक्विपमेंट्स की जो ड्रिल होती है प्रॉपर, और सभी जो लोग सिपाही हमारे हैं, कांस्टेबल, हवलदार है, पुलिस ऑफिसर्स है, सबको एक बार प्रशिक्षण भी हो रहा है कैसे आश्रय गैस का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे रबर बुलेट्स का, जिससे हमें क्राउड को नियंत्रण करने में जब वो बेकाबू हो जाती है या सरकारी संपत्ति को नुकसान करती है तो हमें मदद मिलेगी। लेकिन हम आप लोग के माध्यम से लगातार अपने जिलावासियों से अपील करना चाहते हैं कि हम लोग पूरी तरह तैयार है, प्रशासन आपकी सहायता के लिए खड़ी है, और आप हमसे हमारी सहायता करें, हम लोग आपकी सहायता करेंगे, और त्यौहार हम लोग हर्षोल्लास से मनाएंगे। रामनवमी की त्यौहार भी अच्छे से बीते, इसके लिए मेरा पुलिस अधीक्षक गुमला का आप लोग सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।